हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आज की वीडियो में हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये कैसे काम करता है और ये कहाँ यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा सिस्टम है जो दो फ्लूड के बीच में हीट को ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम कूलिंग और हीटिंग दोनों ही प्रोसेस में कर सकते हैं। हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम स्पेस हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर स्टेशन, केमिकल प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और सीवेज ट्रीटमेंट जैसी जगहों पर करते हैं। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कई सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यह है हीट एक्सचेंजर का सेल, यह है फ्रंट एंड हेडर, यह है रियर एंड हेडर, यह हैं ट्यूब्स, यह है शेल का आउटलेट, यहाँ पर है शेल का इनलेट, यह है ट्यूब का इनलेट और यहाँ पर है ट्यूब का आउटलेट, ये है बेफल प्लेट। बेफल प्लेट का काम होता है इन ट्यूब्स को सपोर्ट देना और जो हमारा सेल का इनलेट है, जो कि गर्म पानी या ठंडा पानी हो सकता है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। अब हम जानेंगे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है। इस एनिमेशन में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से ठंडा फ्लूड या ठंडा पानी अंदर जा रहा है और ये पानी ट्यूब से होता हुआ ऊपर की ओर यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। और यहाँ देखोगे आप, यहाँ है हमारा हॉट इनलेट, यानी कि यहाँ से गर्म पानी आ रहा है जो कि ट्यूब के ऊपर रहेगा, यानी कि शेल के अंदर रहेगा। यहाँ पर शेल और ट्यूब दोनों के अंदर जो फ्लूड है उनके बीच में हीट एक्सचेंजिंग की प्रोसेस इस एरिया में होगी। और हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा, जो हमारा गर्म पानी था वो अपनी हीट इस ठंडे पानी को दे देगा, जिससे ठंडा पानी गर्म हो जाएगा और गर्म होकर यहाँ से बाहर आ जाएगा और जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा और वह यहाँ से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी हीट एक्सचेंजिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम ऐसे प्रोडक्ट में करते हैं जो कि लो से लेकर मीडियम विस्कोसिटी वाला होता है, जैसे कि बेवरेज विद पल्प, प्यूरीज, लोशंस, जेल्स और हाई फाउलिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।